आपने एशियन मेडल, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप सब आपके पास सुरक्षित है। अब ये ओलंपिक बचा है मेडल, तो क्या लक्ष्य है आपके मन में ओलंपिक को लेके? मेरी जो मेडल टैली में जो मेडल नहीं है वो ओलंपिक का मेडल नहीं है, और इस बार मैं उसको एक गोल्ड मेडल से भरना चाहूंगा। यू नो फिल इन द ब्लैंक्स को मैं गोल्ड मेडल से भरना चाहूंगा। जब बॉक्सर के किसी को देखते हैं तो अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये बहुत एक पावर गेम है, इसमें ताकत, शारीरिक ताकत चाहिए, right. लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की कितनी इम्पोर्टेंस है इस गेम में? आपकी 90% आपकी फाइट का जो डिसीजन है वो रिंग में जाने से पहले हो जाता है, जो आपके मेंटलिटी पर निर्भर करता है। तो अगर आपने रिंग में जाने से पहले सोच ले कि आप हारने वाले हो तो आप निश्चित रूप से हारने वाले हो। तो यू नो कि बॉक्सिंग बहुत मेंटल गेम है, प्लस बॉक्सिंग इज ए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल गेम आल्सो। फिजिकल का मतलब ये है आपको हमेशा हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, आपको टो से लेके हेड तक आपका कोई भी अंग ये नहीं कि आपका कमजोर हो। मैं बॉक्सिंग को फार मोर सबसे ज्यादा मेंटल मानना, उसके बाद ही फिजिकल। बॉक्सिंग में ये तो दिखता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो सबको पता है कि मेंटल स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं? मैं पिछले 2-2.5 साल से योगा कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ताकि यू नो कि आप सबको एक नर्वसनेस होती है फाइट से पहले, और जब वो नर्वसनेस कहीं आगे बढ़ जाती है तो वो फियर का रूप धारण कर लेती है। तो फिर मैं ये योगा करके चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नर्वसनेस पे रहा हूँ, उस फियर के पॉइंट को क्रॉस ना करूँ। क्योंकि नर्वसनेस और फियर के अंदर बहुत थोड़ा सफर होता है, तो मैं इस चीज की कोशिश करता हूँ कि डर ना पड़े, नर्वसनेस इज ओके। सबको प्रेशर होता है, वो मुझे भी होना चाहिए। आपके लेवल तक पहुंचने के लिए, एक ओलंपिक लेवल प्लेयर बनने के लिए किस तरह की खूबियां चाहिए होती हैं, चाहे वो अनुशासन हो या खाने पीने का कंट्रोल हो, मतलब विकास को क्या है जो खास बनाता है जो बाकी प्लेयर्स सीख सकते हैं? यू नो ट्रेनिंग प्लस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, उसके बाद जैसे घर वाले या कोई फैमिली मेंबर्स या कोई कोच आपको कोई डाइट बताएगा, डाइट प्लस एक्स्ट्रा डाइट, फिर आपको कोई रिकवरी का चीज देखेंगे, हाँ आप आइस बात करो, सोना बात करो या कुछ, तो रिकवरी प्लस एक्स्ट्रा रिकवरी। तो आपको हर चीज के अंदर, एक ओलंपिक लेवल एथलीट पढ़ने के अंदर आपको हर चीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, चाहे वो रिकवरी के अंदर हो, चाहे वो ट्रेनिंग के अंदर हो, चाहे किसी भी चीज के अंदर हो, आपको कुछ ना कुछ अगले से 2 कदम ज्यादा करना पड़ेगा। सपोज आज मैंने बैग पे 100 पंचेज मारे हैं और मेरे अपोनेंट ने 101 मारे हैं, यूनो के लॉन्ग रन के अंदर अब वो पूरे 365 डेज वो भी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसके पंचेज में से 365 ज्यादा हो चुके हैं, यूनो के वो एक दिन के अंदर उसका फर्क नहीं दिखेगा, लंबे समय के अंदर जब हम चलेंगे तो हमें उसका फर्क दिखेगा। तो इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा वर्क भी करना चाहिए। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरह का माहौल था, कैसे आप इतने छोटी सी जगह से बॉक्सिंग में आए, और कौन कौन रहा, श्रेय किसको देंगे? मेरा गांव सिंह वकाब खास था, तो ये मेरे फादर, एक्चुअल में मेरे फादर का एम था कि वो चाहते थे मेरा बेटा एक मस्कुलर टाइप और एक हार्ड टाइप लड़का बने, इस टाइप से मेरे फादर की एम थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में कराया। बॉक्सिंग में आपको कई बार पंचेज लगते हैं, आपको कई बार चोट लगती है, और फिर आप है ना फियरफुल हो जाते हो, आप नहीं करना चाह रहे बॉक्सिंग के अंदर। मेरी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेड है, तो मैंने बोला नहीं अगर आज तेरे को लगे तो कल हम उसको मार के आएंगे। तो मेरी मम्मी की इस टाइप से एक किलर मेंटलिटी है, जिसको एक अच्छी मेंटलिटी बोल लेंगे, स्ट्रॉन्ग मेंटल वुमेन है मेरी मम्मी। हालांकि मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ तो उसके अंदर सब का हाथ है, जिन जिन लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया है, माई कोचिज और इवन एक मसाजर भी जिसने मेरी हेल्प की है कभी, इन सब का बराबर का ही रोल है मेरी बॉक्सिंग करियर के अंदर। स्पोर्ट्स से अलग मैंने सुना है कि आपको किताबों का भी शौक है जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, आपकी जो पर्सनालिटी की दूसरी साइड है। हम सब के अंदर कुछ बुरी आदतें होती है, हम सब अपना अनवांटेड मोबाइल यूज करते हैं, अनवांटेड लैपटॉप यूज करते हैं, मतलब अनवांटेड चीजों के अंदर हम यूज करते हैं, हम सब उसको रोक नहीं सकते, यू नो वो हमारे नेचर के अंदर हो चुका है। तो फिर भी जितना भी मुझसे हो चुका मैं किताबें पढ़ता हूँ। अभी रिसेंट मेरी बुक चल रही है माइंड जिम, वो बेसिकली वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स के ऊपर बेस्ड है, वो किस तरीके से सोचते हैं कंपटीशन जाने से पहले, मतलब क्या कुछ करते हैं, वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स के ऊपर बेस्ड है। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ फ्री टाइम में। आखिरी सवाल, इंडिया के बारे में अक्सर यह बोला जाता है कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है, खेल संस्कृति उतनी नहीं अभी बन पाई है जितनी बहुत सारे दूसरे देशों में है, तो अगर आप
जो यूथ है उसको बताना चाहें कि क्यों किसी को बॉक्सिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट लेनी चाहिए? हम स्पोर्ट्स किस लिए करते हैं? फिट रहने के लिए, सेकंड हम नशे से दूर रह सके, और हमें अच्छी जॉब मिले ताकि हमारा घर खर्च चले, एंड फोर्थ हम देश का नाम रोशन कर सके। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं देश के लिए खेल रहा हूँ तो ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहले हम खुद के लिए खेलते हैं, फिर उसके बाद हम अपने फैमिली के लिए खेलते हैं, फिर नौकरी पाने के लिए खेलते हैं, और अंत में अगर कुछ बचता है तो हम सब देश के लिए खेलते हैं।